नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं हूं एनके सिंह। सीटेट 2024 के लिए शंखनाद हो चुका है। सभी लोग अपने अपने फॉर्म भी भर रहे होंगे या भर चुके होंगे। मैं एनके सिंह आप सभी के इस सीटेट की परीक्षा में एनवायरमेंट का जो सेक्शन होता है, उस एनवायरमेंट के सेक्शन में विज्ञान विषय की एक अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ढेर सारे टॉपिक्स हैं जिनमें विज्ञान की बहुत अच्छी समझ होना बहुत आवश्यक है। तो मैं एनके सिंह एनवायरमेंट के उस खंड से आपसे जुड़ूंगा जो विज्ञान से रिलेट करते सवाल पूछे जाते हैं या सवाल बनाए जाते हैं। यदि आप सीटेट के पाठ्यक्रम का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत ढेर सारे टॉपिक, जैसे अगर आपको भोजन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है, वसा को पढ़ना है, प्रोटीन को पढ़ना है, तो बिना विज्ञान के समझ के बिना इसको आप आसानी के साथ में नहीं समझ सकते हैं। जैसे जल का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिना विज्ञान की समझ के अनुसार इसके सवालों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो मैं इन्हीं खंडों को आपसे सॉल्व करने के लिए, आपके समक्ष साझा करने के लिए इन्हीं खंडों के साथ में मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा और आशा करूंगा कि आप सभी लोग इस संस्थान पर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा उम्दा तरीके से विश्वास बना चुके होंगे और इस विश्वास की एक एक पाई को हम अपने कंटेंट के साथ में, अपने शब्दों के साथ में, अपने पाठ्यक्रम परिचर्चा के साथ में इसको और भी मजबूत हम करते चले जाएंगे। तो चलिए, आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। सीटेट के खंड में, एनवायरमेंट के खंड में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको आप वाटर कहते हैं, जिसको आप जल कहते हैं, जिसको आप जल कहते हैं, वाटर कहते हैं। इस जल के टॉपिक को हम आज समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। आमतौर पे जब आप एनवायरमेंट के सेक्शन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो जल एक ऐसा छोटा शब्द लिखा है जैसे मानो कि आप इसको एक पेज में समेट कर इसके पाठ्यक्रम को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लिए हुए ये टॉपिक है। तो आज हम इसके विषय में, इससे संबंधित सवालों के विषय में आज आपसे चर्चा पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। चलिए तो जुड़ते हैं पहले जल के टॉपिक के साथ में। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि जल जो है वो किस प्रकार का पोषक पदार्थ होता है, ये कार्बनिक है कि ये अकार्बनिक है। तो जब आप इस जल की फॉर्मूला पर बात करते हो तो कहते हैं कि सर जल का जो फॉर्मूला होता है वह है H2O, और H2O में कहीं पे कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से यह एक प्रकार का अकार्बनिक पोषक पदार्थ होगा। निश्चित रूप से यह कैसा पोषक पदार्थ होगा, यह एक प्रकार का अकार्बनिक पोषक पदार्थ होगा, अकार्बनिक पोषक पदार्थ है। और याद रख लेना, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया गया, देखो पोषक पदार्थ समझो, पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, पोषक पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जो पोषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पोषण क्या होता है सर, आपके शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, आपके शरीर को रोगों से बचाने के लिए जो पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही पदार्थों को हम पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थों में आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज और जल को ग्रहण करते हैं। इन सभी पोषक पदार्थों में जो सर्वाधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है या जिससे आपका पूरा शरीर निर्मित होता है वो जल है। इसी वजह से कहा जाता है जल ही जीवन है। जल ही जीवन क्यों, क्योंकि आपके शरीर का लगभग 65% हिस्सा किसका बना होता है, जल का बना होता है। तो अगर सवाल ये बने कि सर्वाधिक किस पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो आप उत्तर करेंगे जल को, वाटर को करेंगे। तो तीसरा सवाल आपसे जब पूछा जाएगा, क्या सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर के लिए उपयोगी पोषक पदार्थ,
सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर के लिए उपयोगी पोषक पदार्थ कौन है, तो वो है जल है, वो है वाटर है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि जल पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखना, जल पीने से शून्य कैलोरी ऊर्जा मिलती है, शून्य कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कोई व्यक्ति एक ग्लास पानी पी ले या एक बाल्टी पानी पी ले, ऊर्जा नहीं मिलने वाली है, ये ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है। मानव शरीर में ऊर्जा देने की जो जिम्मेदारी है वो कार्बोहाइड्रेट को है। सबसे मुख्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट के पश्चात वसा का नंबर आता है। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा दो ऐसे पोषक पदार्थ होते हैं जो आपके बॉडी में, जो आपके शरीर में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ये जो जल है, ये जो वाटर है, ये ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है, तो फिर क्या कार्य करता है? याद रखना, इसका अगर आपसे कार्य पूछा जाएगा तो बहुत ढेर सारे कार्य हैं, लेकिन इनमें से दो कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें से दो कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला कार्य होता है कि यह मनुष्य के समस्त उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेटर आप कह सकते हैं, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सर, उपापचयी क्या है? आपके शरीर में लगातार किसी न किसी चीज का निर्माण होता रहता है और किसी न किसी चीज का विघटन होता रहता है। किसी न किसी चीज का निर्माण होता रहता है और किसी न किसी चीज का विघटन होता रहता है। तो ये जो निर्माण और विघटन की प्रक्रिया आपके शरीर में चल रही है, सामान्य अर्थों में जो जोड़ तोड़ की प्रक्रिया आपके शरीर के भीतर चल रही है, इसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, इसी को उपापचय कहा जाता है। इस उपापचय में श्वसन आएगा, पाचन आएगा, कोशिकाओं का निर्माण आएगा, कोशिकाओं का विनाश आएगा। तो इस पूरी उपापचयी क्रियाओं के रेगुलेशन में सर्वाधिक जो भूमिका होती है वो जल की होती है, वो वाटर की होती है। और दूसरी बात याद रखना कि ये आपके शरीर के ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ताप नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनवायरमेंट में एक शब्द मिलता है जिसको हम बोलते हैं समस्थैतिकता। समस्थैतिकता को होमियोस्टेसिस कहते हैं। समस्थैतिकता क्या है? बाहरी वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार अपने शरीर के तापमान को सम बनाए रखना, एक जैसा बनाए रखना, स्टेबल बनाए रखना, स्थिर बनाए रखना, समस्थैतिकता कहलाता है। समस्थैतिकता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है जल, वाटर। आपके शरीर का एक निश्चित तापमान है ना, आपके शरीर का एक निश्चित तापमान है, 98.6 फारेनहाइट है। जब इसी को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, और इसी को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 310 केल्विन बन जाता है। तो ये तापमान जो है वो रहेगा, हमेशा रहेगा। आप भले ही सियाचिन में -40 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हो जाओ, लेकिन आपके शरीर का तापमान वही रहेगा, 98.6 ही। या आप जैसलमेर में चले जाओ तपती धूप में, बेतहाशा गर्मी में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। आपका शरीर जो होता है वो हमेशा स्टेबल बना रहता है, स्थिर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। इसी प्रोसेस को समस्थैतिकता कहा जाता है। समस्थैतिकता में यह जल बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब गर्मी होती है तो पसीना के माध्यम से अपने शरीर को ठंडा करते हैं, ठंडी होती है तो हम पसीना नहीं निकालते। ये हम क्या कर रहे हैं? हम समस्थैतिकता को निर्मित कर रहे हैं अपने शरीर के भीतर। तो आपके बॉडी में, आपके शरीर में ताप को नियंत्रित करने में, ताप को बनाए रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जल की होती है, वाटर की होती है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको एक क्लियर होना चाहिए। जल एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में तीनों से इंक्लूड करके, तीनों से ओवरलैप करके आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, और सवाल भी पूछा जाता है। जैसे अगर उसने पूछ लिया कि जल का
घनत्व मैक्सिमम किस पर होता है, जल की डेंसिटी किस पर होती है अधिकतम, जल का घनत्व किस पर होता है? आप बोलोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व सर्वाधिक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन न्यूनतम होता है, इसका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप बोलते हो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप जब ये सारी बातें कर रहे हो तो आप फिजिक्स से रिलेट करके इसकी बातें कर रहे हो। मैं सारी बातों पे मैं आऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक चीजों को, हर एक खंड को हम समझेंगे बहुत ही सूक्ष्मता के साथ में। मैंने आपसे कहा है, मैंने जिम्मेदारी लिया है एनवायरमेंट के उस सेक्शन को पढ़ाने के लिए जो साइंस से रिलेट करता है, और उस साइंस से रिलेट करने वाले जितने भी सवाल होंगे विश्वास मान के चलिएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं सर, हमको भले ही छोटा मेरा सेगमेंट रहेगा लेकिन अति महत्वपूर्ण रहेगा, जो पूरे आपके एनवायरमेंट को समझने में बहुत ही महती भूमिका निभाएगा। अब जल से संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं जरा। देखिए, पानी की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, कितना पानी हमको पीना चाहिए, एक बड़ा सवाल होता है। तो मेल जो है, मेल को कम से कम पानी कितना चाहिए पर डे, 3 से लेकर 3.7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, कम से कम ये बात है। फीमेल में जो है 2.5 से 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए, और गर्भवती अगर कोई महिला है तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी उसको पीना ही चाहिए। तो ये पानी की दैनिक आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता यानी कि मानव को पर डे होती है, और इतना न्यूनतम पानी को आपको ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद कुछ और सवाल पे आते हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब यहां से कई ढेर सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। शरीर में जल की प्रतिशतता को देखते हैं, शरीर में जल की प्रतिशतता को देखते हैं। अगर शरीर में जल की प्रतिशतता को आप देखेंगे तो आप पाएंगे मेल में 60 से लेकर 65% तक जल होता है। और इस चीज को बहुत याद रखना, क्योंकि अभी तक जो भी सवाल पूछेगा वो इसी के आसपास वैल्यू को लेकर के पूछेगा, यानी कि 60 से 65% के आसपास ही सवाल बनेगा। तो आप याद रखना कि मेल में जो जल की प्रतिशतता है वो होती है 60 से लेकर 65% के मध्य में, फीमेल में ये होता है 50 से लेकर 57% के मध्य में, और जबकि चाइल्ड में होता है 70%। बच्चों में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, बच्चों के शरीर में अधिक मात्रा में क्या होता है, जल पाया जाता है। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात समझना, अब ये 60 से 65% मेल में निर्मित हो रहा है तो ये है कहां पर? देखो, आप पढ़ते हो रुधिर, रुधिर में एक हिस्सा होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। तो वो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा के निर्माण में 90 से लेकर 92% क्या होता है, जल होता है। यानी कि आपसे कहा जाए कि तुम्हारा खून नहीं क्या है, पानी है, तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से हमारे खून का सर्वाधिक हिस्सा किसका बना हुआ है, जल का। और ये केवल खून की बात नहीं है, केवल रुधिर की बात नहीं है, केवल ब्लड की बात नहीं है, आपके शरीर का अधिकांश हिस्सा जो होता है वो जल से ही निर्मित है, वाटर से ही निर्मित है। जैसे आप देखिए, आपके फेफड़े का लगभग 90% हिस्सा जो होता है ये किसका बना हुआ है, जल का। यही नहीं, आपके पूरे कंप्लीट अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो 83% हिस्सा जो होता है जल का बना होता है, क्योंकि इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबको काउंट किया गया है, यहाँ पे केवल और केवल प्लाज्मा को काउंट किया गया है। आपके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उसमें 76.7% तक जो है पानी पाया जाता है। आपका ब्रेन जो होता है, ब्रेन में लगभग 74.5% तक पानी होता है। आपकी जो बोन होती है, अस्थियां होती हैं, वो लगभग 22% तक होता है। आपकी जो टीथ होती हैं, उसमें लगभग 10% तक होता है। याद रखना, ये भी इनेमल के निर्माण में सहायता करता है। और आपके स्किन का लगभग 20% हिस्सा जो होता है वो वाटर होता है, वो जल होता है। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे ये बात आप ज्यादा गंभीरता के साथ में, ज्यादा बेहतरी के साथ में आप ये याद रखेंगे कि जल जो होता है वो आपके शरीर में निर्माण में 60 से 65% भूमिका को निभाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे,
तो यहां पर देखिएगा, विभिन्न खाद्य पदार्थों में जल की प्रतिशत मात्रा, यानी कि जो भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं। देखो यहां पे इस बात को समझो कि जल आपको मिलता कैसे है, आपके शरीर को जल किस रूप में मिलता है। तो जल का सोर्स केवल पेयजल नहीं है, केवल सोर्स पेयजल नहीं है कि आप पेयजल पीते हो और उसी के माध्यम से पानी मिलता है, नहीं। आप जब साग सब्जियां भी खाते हो तब भी ये आपके बॉडी में जाता है, आप जब फल को ग्रहण करते हो तब भी ये आपकी बॉडी में जाता है, जब आप किसी प्रकार का लिक्विड पदार्थ, चाहे वो चाय हो, चाहे वो शराब हो, चाहे कुछ भी हो, तब भी ये आपके शरीर में जाता है। और साथ ही साथ जब विभिन्न भोज्य पदार्थों का आक्सीकरण होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आक्सीकरण, आक्सीकरण का मतलब है विखंडन। जब कोई भी भोज्य पदार्थ आप खा रहे हो, कोई भी भोज्य पदार्थ, अब भोज्य पदार्थ में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा, चाहे वसा के फॉर्म में होगा, चाहे प्रोटीन के फॉर्म में होगा, तो जब भी भोज्य पदार्थों का आक्सीकरण होता है, जब भी वो टूटता है, जब वो विखंडित होता है, जब वो जलता है, तब भी जल निकलता है, तब भी वाटर निकलता है। यानी कि कुछ भी खा रहे हो जल जरूर बनेगा। जैसे इसको समझो इस तरीके से, अगर मैं एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से इसको और अच्छे ढंग से क्लियर करने का प्रयास करूं, और बेहतर ढंग से इसको मैं क्लियर करने का प्रयास करूं, तो यहां पर थोड़ा सा समझिएगा बात को, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा बात को। जैसे एक ग्लूकोज की बात करते हैं, जैसे C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है, टूटता है, तो जल निर्मित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होता है, और साथ ही साथ 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का आशय क्या है कि जैसे आपने कुछ भी खाया कार्बोहाइड्रेट, आपने चावल खाया, आपने रोटी खाया, आपने कोई भी ऐसा भोज पदार्थ खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो जब उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो वही मैंने कहा है कि भोज पदार्थों के आक्सीकरण से भी, भोज पदार्थों के विखंडन से भी जल निर्मित होता है, लगातार निर्मित हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा केवल बॉटल से उठा करके पानी पीने से ही आपके शरीर में जल मिलेगा। इन ढेर सारे ऐसे वजह है, ढेर सारे ऐसे कारण है, ढेर सारे ऐसे फैक्टर है जिनकी सहायता से आपको जल मिलता है। एक दूध में 87% जल होता है, अंडा जब आप ग्रहण करते हैं तो लगभग 75% होता है, अनाजों में 8-10% होता है, सब्जियों में और फलों में 45-90% होता है। अब ये फल पर निर्भर करता है या सब्जी पर निर्भर करता है कि आप कैसी फल या कैसी सब्जियां खा रहे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए तरोई खा रहे हैं, अब उसमें जल अधिक मात्रा में मिल जाएगा, पालक आप खा रहे हैं अधिक मात्रा में मिल जाएगा, और कोई चीज अगर आप खा रहे हैं, और कोई सब्जी आप खा रहे हैं, जैसे आलू आप खा रहे हैं, तो जल कम मात्रा में उससे मिलेगा। तो पानी की मात्रा फल और सब्जियों में फ्लैक्चुएट होती रहती है। इसके अलावा मांस में जो होता है 60-65% जल होता है, मछली में 65-70%, डबल रोटी 20-30%, सलाद में 95%, तरबूज में 93% जो होता है उससे जल की प्राप्ति होती है। तो ये आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि किस पदार्थ में, किस भोज्य पदार्थ में, किस भोज्य पदार्थ में, हाँ ये आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि किस भोज पदार्थ में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके शरीर में या हमारे शरीर में ये जो जल पहुंचता है वो कैसे और किन स्थितियों में पहुंचता है। इसके बाद थोड़ी सी हम और आगे बात कर लेते हैं, तो जल के साथ में एक बहुत गंभीर बात जुड़ी हुई है, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। अब जल प्रदूषण क्या होता है, ऐसा जल जो पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, पीने योग्य नहीं है, ऐसे जल को हम कहते हैं कि यह जल पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है। अब जल प्रदूषण के कई ढेर सारे इंडेक्स होते हैं, अभी उस पर हम आगे बात करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे कैसे हम कहेंगे कि कोई जल दूषित हो चुका है। जैसे आपके यहां आरओ लगा होता है तो कहते हैं आरओ भाई टीडीएस, अब क्या है टीडीएस उस पर भी आगे बात करेंगे।
टीडीएस का ये मतलब नहीं है कि टीडीएस जितना कम हो गया जो है जल उतना शुद्ध होता चला जाएगा। जल की शुद्धता और अशुद्धता का एक मापक होता है, उस पर हम आगे अभी डिटेल में बात करेंगे जैसे जैसे चूजे को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि ये प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं ये विभिन्न तत्व, जिसको आप आर्सेनिक कहते हैं, सीसा, ताबा, कैडमियम, ये जितने भी तत्व होते हैं ये जब जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषित होता जाता है। और इन्हीं प्रदूषित जलों को जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के रोग होना प्रारंभ होते हैं। आपने मिनीमाटा रोग सुना होगा पारे की अधिकता से, आपने इटाई इटाई रोग सुना होगा कैडमियम की अधिकता से, आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम सुना होगा नाइट्रेट की अधिकता से, आपने एथलीट फुट नामक बीमारी सुना होगा आर्सेनिक की अधिकता से। ये ऐसी बीमारियां हैं जो अभी मैंने बीमारियों के नाम बताए, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषित होने की वजह से ही फैलता है, जल प्रदूषित होने की वजह से फैलता है। और ये तत्वों की विषाक्तता या तत्वों की अधिकता उस पेयजल में जब हो जाती है तब ये रोग होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो खुले में शौचालय भी एक प्रमुख कारण है जल प्रदूषित होता है इससे। इसके अलावा जो तेल रिसाव होता है ये एक बहुत गंभीर समस्या है, महासागरों में तेल रिसाव की वजह से जो होता है बहुत अधिक मात्रा में जल जो होता है प्रदूषित होता है। कारखानों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ भी आपके जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो होता है खेतों में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, उसमें कई ढेर सारे नाइट्रोजनी पदार्थ ऐसे होते हैं, ये नाइट्रोजनी विषाक्त पदार्थ जो है हमारे जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो जितना अधिक मात्रा में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में ये जल को प्रदूषित करते चले जाते हैं। इसके अलावा घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, कूड़ा करकट है, वह भी जल को प्रदूषित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और साथ ही साथ जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं जब इनको हम जल में बहा देते हैं तो वो विभिन्न बैक्टीरिया के संपर्क में आता है और उनके शरीर को विघटित किया जाता है, और जब विघटित किया जाता है तो वह भी जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का एक कारक हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। तो ये फैक्टर आपको, ये कारक आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पर दूषित जल से बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जो दूषित जल के माध्यम से फैलता है, तो दूषित जल से अगर बीमारियों की बात करेंगे तो इसमें सबसे नंबर एक पर हम बात करेंगे हैजा के विषय में। किस पे बात करेंगे? हैजा एक जीवाणु जनित रोग है और उसका नाम है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु जो है ये मल में पाया जाता है। अब कोई मक्खी गई उस मल से बैठी और मल से उस जीवाणु को लाकर पेयजल को संक्रमित कर दिया। अब जब मनुष्य उसी पेयजल को पीता है तो उसको हैजा हो जाता है, उसकी आंतें जो है संक्रमित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हैजा जो है एक जल जनित बीमारियों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम तो पीलिया उसमें से एक प्रमुख रोग है, पीलिया जॉइंडिस, जिसमें बिलरूबिन और बिलवर्डिन नामक जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट शरीर में बढ़ जाते हैं और मनुष्य को पीलिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा जो डायरिया है, डायरिया, ये डायरिया भी याद रख लेना, यह भी जल जनित रोगों के अंतर्गत जो है आता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से आंतों का संक्रमण होना डिसेंट्री कहलाता है, पेचिस कहलाता है, उल्टी दस्त दोनों में होता है, चाहे डायरिया हो चाहे पेचिस हो, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जल की कमी हो जाती है शरीर में। इसके अलावा फ्लोरोसिस, दांतों में चितकबरापन होना, टाइफाइड, यह भी एक प्रकार का जल जनित रोग होता है। मिनीमाता, मैंने आपको बताया पारे की अधिकता से होता है। इटाई जो कि कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो कि नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये सारे के सारे रोग जो ये जल प्रदूषित होने की वजह से होता है,
इस वजह से हमें ये बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारा जल जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पेयजल दूषित नहीं रहा तो हम इन ढेर सारी बीमारियों से और न जाने और भी बहुत ढेर सारी बीमारियों की एक लंबी लिस्ट है जिनसे हम बच सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझना, जल जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। वाटर जो होता है, जल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो जल होता है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं कठोर जल। एक जो होता है इसको हम बोलते हैं कठोर जल, हार्ड वाटर इसे कहते हैं। और एक वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं मृदु जल, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं मृदु जल। मृदु जल को कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। मृदु जल को हम क्या कहते हैं, मृदु जल को कहते हैं सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो प्रकार के वाटर होते हैं। कठोर जल जो होता है, ऐसा जल जो होता है जो झाग नहीं देता है, ठीक है, जो साबुन के साथ में फेन नहीं देता है, झाग नहीं देता है, झाग नहीं देता है, याद रखना, जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता है, ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। यह अत्यधिक प्रदूषित होता है, इसमें मिनरल्स की भी कमी होती है। और याद रखना, ये जो कठोर जल होता है ये पीने योग्य नहीं होता है, अब पीने योग्य नहीं रहता है। अब आखिरकार इसमें ऐसा है क्या जिसकी वजह से ये कठोर हो चला है, हार्ड हो चला है, पीने योग्य नहीं हो चुका? तो अभी उस पर भी हम बात करेंगे कि कठोर जल कठोर क्यों होता है, कठोर जल पीने योग्य क्यों नहीं होता है। लेकिन उससे पहले मृदु जल पे आते हैं। मृदु जल ऐसा जल होता है जो साबुन के साथ में आसानी से फेन देता है, यानी कि वो झाग देता है, साबुन के साथ में आसानी के साथ में वो फेन देता है, और यही मृदु जल है जो पीने योग्य होता है। यही मृदु जल जो होता है यही पीने योग्य होता है, पीने योग्य होता है। अब यहां पर दो बातें आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि कठोर जल कठोर क्यों हुआ, और अगर कठोर जल कठोर हो गया तो उसकी कठोरता को हटाने के लिए हम करेंगे क्या। यह भी सवाल पूछा जाता है कि कोई भी जल जो होता है वो कठोरता को कैसे हटाया जाता है, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा कि कठोर जल भी दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई कठोरता होती है, एक अस्थाई कठोरता होती है। अब ये सारी बातें कठोर जल को विस्तृत रूप में एलाबोरेट करने के लिए जो है हमें एक नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो अगले हम एपिसोड में बात करेंगे कि एक जल से कैसे कठोरता को हटाया जाता है, और ये कठोर जल में जो दो प्रकार होते हैं, अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता जो होती है वो क्या होती है, कैसे होती है। तो एक आप सभी लोगों के लिए सुनहरा अवसर है सीटेट के रूप में। अब जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, निश्चित रूप से प्राथमिक के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जूनियर में, उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में वैकेंसी आनी तय है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सीटेट, हम सुपर टेट के लिए, हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं हम सीटेट ही क्लियर करना भूल जाएं। और अगर सीटेट क्लियर आप नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से जूनियर की वैकेंसी से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अभी समय है, एक बेहतर समय के साथ में अगर एक बेहतर समझ विकसित कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जीत मुकम्मल हो जाती है। एक विजेता के अंदर यही सर्वप्रथम गुण होता है कि वह समय रहते हुए ही अपने समझ को विकसित कर ले। अभी समय है, पर्याप्त समय है, और इस पर्याप्त समय में सीटेट के सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से सूक्ष्मता के साथ में आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करिए, एनसीईआरटी के पैटर्न पर, बदले हुए पैटर्न पर आयोग का जो रुख है उस रुख को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
आशा करूंगा कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, आज की क्लास आपको समझ में अच्छे ढंग से आई होगी। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि भले ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता के साथ में आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। जब हमारे साथ में कोई विद्यार्थी जुड़ता है तो न केवल वो पाठ्यक्रम वो सिलेबस को पढ़ता है, बल्कि उसके अंदर एक जोश और जुनून को बनाए रखना, उसकी एनर्जी को मेंटेन रखना, उसकी सक्रियता को बनाए रखना, और साथ ही साथ जो परीक्षा का पैटर्न में बदलाव हो रहा है उसको समझते हुए उसकी रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए, कुल मिलाकर के उसके जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है टारगेट ऑन के द्वारा। तो हम सभी आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं, आप सभी आइए और हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस दीपावली में ऑफर भी चल रहा है तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, एनके सिंह की तरफ से, टारगेट ऑन की तरफ से हैप्पी दीपावली, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।